तेज कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर। मैं हूं मोहम्मद। और मैं हूं ज़फर इकबाल। और देखने जा रहे हैं एपिसोड 339 का पार्ट 4। तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। महादेव के निवास से तो बनाया है, यदि मैं ये भवन ही मान लूं तो इसके साथ महादेव भी मेरे हो जाएंगे। दशानन, क्या सोच रहे हो? निसंकोच होके अपनी दक्षिणा मांगो। ये कुछ भी कैसे मांग सकते हैं? महादेव ये भूल रहे हैं कि वो एक राक्षस है। यदि उसे ऐसी स्वतंत्रता दी गई तो देवताओं पे बड़ा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मैंने सोच लिया। लो, क्या सोच लिया? मुझे दशहरा में क्या चाहिए? मुझे दशहरा में ये स्वर्ण भवन दे दीजिए। ये कैसी चीज है? इस भवन को तो तुमने स्वयं महादेव के लिए इतनी श्रद्धा से बनाया, तो फिर इसी भवन को तुमने दक्षिणा में मान ली? जिस गृह में पार्वती को रहना है वो तुम अपने आप के लिए कैसे मांग सकते हो? हमारी पुत्री का ये स्वप्न इतनी कठिनाइयों के बाद पूरा हुआ है। दशानन, वो तो स्कूल से माता को इस भवन की आवश्यकता है, ऐसा अनर्थ मत करो। मैंने तो पहले ही कहा था कि मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। तो आप सभी ने मुझे विवश किया। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि ये स्वर्ण भवन मुझे ना मिले। दशानन, अब प्रश्न आपत्ति का रहा कहां है? हाँ, तो बात नहीं आ रही। यदि तुमने मांगा है तो महादेव अवश्य दे देंगे, किंतु तुम कुछ और मांगते तो? नहीं देवर्ष, इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दशानन, तुम महादेव के सबसे बड़े भक्त होते हुए भी उनकी सामाजिक मर्यादा की बात उठा रहे हो। तुम
भवन अनिवार्य है, अब समय आ गया है। भवन पारिवारिक जीवन की आधारशिला है स्वामी। जब हमारे पास प्रकृति की गोद है तो हमें भवन की आवश्यकता ही क्यों, इससे सुंदर और उत्तम गृह संभव हो ही नहीं सकता। सुरक्षित रखना ये तो पशु पक्षी मनुष्य और देवता भी करते हैं, तो फिर आप हमें गृह बनाने की स्वीकृति क्यों नहीं दे रहे? तुम मेरा समझ करो, इच्छा अनुसार भवन का निर्माण करवाओ। हमने अभी अपने भवन की प्रतिकृति बनाई, वो यहाँ शनिदेव के प्रभाव से जीवन में आने वाले कष्टों का केवल एक ही उद्देश्य होता, व्यक्ति को माया जाल से दूर कर और उसे सत्य के समीप कर। यह आपका ध्यान का क्षेत्र, मैंने हर संभव प्रयास किया है कि यहाँ बैठकर आपको अपने कैलाश वाले ध्यान कक्ष का आभास हो। यह आपके लिए संगीत का क्षेत्र, यहाँ भी कैलाश जैसा वातावरण स्थापित कर दिया है मैंने। माता, मेरे द्वारा निर्मित आपको ये भवन कैसा लगा? और इसकी विशेषता ये है कि ये बिल्कुल कैलाश जैसा प्रतीत होता है। मेरे लिए ये भवन कैलाश की विशेषताओं से परिपूर्ण गृह नहीं है दशा। और हम आपको वचन देते हैं स्वामी, यदि संतुलन स्थापित नहीं हुआ तो हम स्वयं उस भवन का विनाश कर देंगे। भवन तो कैलाश की नियति में ही नहीं था। सोच रही हो पागल है स्वामी? दशानन की मांग ने हमें कुछ ऐसी बातें स्मरण करवाई जिनके बारे में सोचना हमें अनिवार्य ही नहीं लगा। प्रश्न के उत्तर जो कभी महत्वपूर्ण ही प्रतीत नहीं हुए, स्वामी हम अपनी इच्छा से ये भवन दक्षिणा के रूप में देने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। क्या चीज़ें हो गई हैं, एकदम से ना हर चीज़ बदल गई है। अब देखें ना कि एक कितनी चाहत से बनवाया गया था भवन, और हम हर एक बंदा ये चाह रहा था कि जल्दी जल्दी भवन बने और हम देखें, और जब इसमें महादेव जी एक बार रहेंगे या उनकी सारी फैमिली इसमें रहेगी तो कितना प्यारा एक माहौल बना होगा। लेकिन वो सारे जो ख्वाब हमने देखे या उनने देखे वो सब पे पानी फेर दिया एक बार दशानन ने। वो ही किया जिसका डर था, पता नहीं उनके माइंड में जैसे आ गई कि मैं ऐसा करता हूँ कि भवन मांग लेता हूँ और महादेव जी भी मेरे हो जाएं। पहले भी उन्होंने बोला ये चीज़ें, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा यार, बहुत दुख नहीं गया। बहुत खुश थे सब, एक मतलब कि अब तो एक विवाह की भी तैयारियां होनी थी, इसी मौके पर एक मतलब के विवाह के एक डेट या हर चीज़ हो जाना था कि किस दिन को विवाह होगा। लेकिन फिर भी इस दिन पर भाई एक दशानन ने आकर गेम ही सारी उल्टी कर दी। सब अब सोच रहे हैं कि हम करें तो करें क्या,
किस चीज से? बिल्कुल ऐसे है, लेकिन ये कि यहाँ पे एक मसला यही था कि शायद पार्वती जी इस चीज को ना एक्सेप्ट करती हैं, वो थोड़ा सा मामला खराब हो, लेकिन ये कि उन्होंने भी इस चीज की जो है ना वो मतलब अप्रूवल दे दी है और उन्होंने भी कह दिया है कि जिस तरह महादेव जी चाहेंगे वही होगा, आप जो है ना वो दे दें उनको। लेकिन उनकी माता ने कहा है कि ये ठीक फैसला नहीं है, लेकिन फिर भी शायद इसमें बेहतरी हो, जिस तरह उन्होंने वो पुरानी सारी बातें याद की हैं ना, तो उससे यही उनको एहसास हुआ है कि महादेव जी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं थे या खुश नहीं। पहले ही उन्होंने इस चीज़ के बारे में बता दिया था, भवन के बारे में, लेकिन ये कि अब देखते हैं नेक्स्ट। पार्वती जी ने तो बोल दिया है, बाकी मिलते हैं नए पार्ट साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।